सभी को जय हिंद। मैं कोच सलीम अली और आज अपने चर्चा करते हैं कि पढ़ाई पे, जैसे अग्निवीरों का पेपर है 17 अप्रैल को, तो सबका एक ही है कि सर क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। मैं दौड़ में 5 मिनट मारता हूँ, मैं 4:40 मारता हूँ। तो देखो, शुरुआत तो हमेशा जीरो से ही होती है, कोई गणना करते हैं जीरो से की जाती है। तो पहले सब शून्य ही होते हैं। जैसे मैं पहले दिन गांव से सूरतगढ़ में आया था, तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरे को यहाँ कोई नहीं जानता था। मेरा भी मन करता था कि यहाँ से चला जाऊँ, घर चला जाऊँ, भेड़े चरा लूँ, गायें चरा लूँ, काम कर लूँ, खेत में काम कर लूँ। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि उस दिन अगर मैं घर चला जाता तो आज मेरे को कोई नहीं जानता, अभी सलीम कोच है, कोई तैयारी करवाता है, यहाँ तक मैं पहुँचता ही नहीं। खैर, वो तो बातें हो गुजरी। अपने अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी कभी वो जन्मे, उन्होंने भी कहीं से शिक्षा ली होगी। फिर देखो, उन्होंने देश का संविधान लिखने के अंदर अपनी कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। तो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से, पढ़ाई होगी कैसे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाता है। तो जैसे मेरे को अच्छी तरह याद है कि जब हम 9वीं में यहाँ आए थे, तो घरवाले यही सोचते थे कि 10वीं कर लेंगे तो दुकान पर लग जाएंगे, मुनीमी कर लेंगे, ऐसे हमारे उधर जो ढाणी के ख्याल थे वो थे। यहाँ आने के बाद, शहर में आने के बाद पता चला कि पढ़ाई नौकरी के लिए होती है, 10वीं 12वीं के बाद में ये पेपर दिए जा सकते हैं। और जैसे अभी कुछ लोग कहे कि सारा कुछ ये जो प्रत्यारोपण है ये किसी एक बंदे पे कर देते हैं, अभी इसके कारण यहाँ भीड़ हो गई और ये हो गया, फलाना हो गया। तो जो अपना शहर है सूरतगढ़, ये टिब्बों के अंदर है, इसके आर बार टिब्बे ही हैं। थोड़ा ही एरिया इसका है जो समतल है, नाली वाला है। इस एरिया के अंदर शिक्षा का इतना बड़ा जो स्तर पैदा हुआ है ना, इसमें बहुत सारे जो बच्चों की कामयाबी के किस्से लिखे जा चुके हैं। यहाँ से लोग निकले हैं, उनके गांव से फिर और आगे, ढाणियों से और आगे। तो जो यहाँ आया है वो शिक्षा लेने आया है। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप शुरुआत करो, शुरुआत घर से कर सकते हो। अभी 1 महीना बचा है, 1 महीने के लिए भी आ सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई लोग, शुरुआत सबको जीरो से करनी पड़ेगी, और जितना लेट करोगे वो तुम्हारे को उसका घाटा भुगतना पड़ेगा। और आर्मी के अंदर परिवर्तन हुआ है, जैसे और चीज़ों में तो पहले होते ही रहते हैं, लेकिन आर्मी के अंदर अभी परिवर्तन हुआ है, यानी आर्मी का आधुनिकीकरण बोल सकते हैं इसको, कि अभी जो 4 साल के लिए कर दिया, पहले पेपर कर दिया, बहुत सारे बदलाव कर दिए। तो इसको आप एक्सेप्ट करो, हर चीज़ का परिवर्तन एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे पहले वैश्वीकरण हुआ था, उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट किया था। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो और जल्दी से जल्दी शुरुआत करो, जीरो से ही कर दो। कि आप कहीं भी पेपर दे रहे हो, आपके 5 नंबर आ रहे हैं, वहीं से कर दो कि 5 आए, मैं आगे बढ़ाऊंगा। और यकीन मानो, 1 महीने में आप आर्मी लेवल का पेपर आराम से 45% तक ले आओगे। तो हौसला कोई नहीं आ रहा, शुरुआत करें, और शुरुआत कहाँ से होगी, जीरो से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।